हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली व्लॉग प्लस किचन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी केक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने टू टीयर केक में पहले भी बनाया था, बट कस्टमर को मेरा वो वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया और उन्होंने सिमिलर मुझे सेम टीयर में ही बनाने का ऑर्डर दिया। तो एक मैंने मैदा से ये स्पॉन्ज केक बनाया है और एक प्रीमिक्स पिल्सबेरी का प्रीमिक्स यूज़ करके मैंने ये स्पॉन्ज केक बनाया है। तो मैं इसे लेयरिंग में कट कर लूँगी और ये मैदा से जो मैंने बनाया है, मोस्टली जो केक है स्पॉन्ज केक, वो मैं उसी से बनाती हूँ। तो आप उसकी रेसिपी आप चेक करें, बहुत ही परफेक्ट बनता है और ये आपको किसी भी प्रीमिक्स से ज़्यादा बेटर टेस्ट देगा। तो एक बार ज़रूर आप उस रेसिपी को ट्राई करें। तो अब मैं इन दोनों के पीछे से जो पेपर है वो निकाल दूंगी और उसके बाद इसकी अच्छे से लेयरिंग कर लूंगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, दोनों में इतनी परफेक्ट जाली बनी है फ्रेंड्स की। आपने इसे प्रीमिक्स से बनाया है या डायरेक्टली मैदे से, आपको बस ऊपर से थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये दोनों सॉफ्टनेस में और जो जाली बनती है एकदम परफेक्ट जाली बनती है। तो मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर वो वीडियो को चेक करें और अपना होम बेकरी स्टार्ट करें। तो ये मैंगो फ्लेवर का केक था, मैंने मैंगो एसेंस देकर के ही केक जो बैटर है वो बनाया था और इसमें मैंगो क्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं लेयर्स में भी बहुत ही कम मिनिमम क्रीम का यूज़ करूँगी, क्योंकि होम बेकर जो होते हैं उनके पास जो लोग ऑर्डर देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज केक पा सकते हैं जिस टाइप का उन्हें पसंद है, क्योंकि बेकरी में तो बहुत ज़्यादा हैवी थिक लेयर की क्रीम मिलती है। और आप देखे होंगे मैंने कितना मिनिमम क्रीम का लेयर यूज़ किया, और देखिए इस वजह से हाइट भी कम आई है। बट हाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कस्टमर को पसंद है उस टाइप का मैं बना के दूँ। और बहुत ही कम क्रीम के साथ मैं इसकी क्रम कोटिंग कर ले रही हूँ, कि मेरा ही बनाया हुआ डिज़ाइन था और वो सेम डिज़ाइन कस्टमर ने सेलेक्ट किया है, बट वो मैं टू टीयर केक में बनाई थी और ये मुझे सिंगल लेयर में ही बनाना है। तो फिनिशिंग तो चाहिए बट क्रीम भी कम होना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत ही जितना स्क्रैप हो सकता था क्रीम को स्क्रैप कर करके मिनिमम क्रीम के साथ ही मैं फिनिशिंग देने की कोशिश की हूँ। थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लगता है कम क्रीम के साथ फिनिशिंग देना, क्योंकि ज़्यादा क्रीम से तो ईज़िली हाइड हो जाता है हमारा केक, बट कम क्रीम के साथ उसे फिनिशिंग देने में काफ़ी टाइम लगती है। बट केक का टेस्ट निखर के आता है, बेहतर आता है, तभी तो होम बेकर्स के पास ही कस्टमर जाते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितने थिन लेयर के साथ मैं इसे हल्का स्मूथ कर ली हूँ, इसलिए मैंने इतना किया। उसके बाद मैं थोड़े देर के लिए इसे फ्रिज में रख दी थी करीब 5 मिनट, जिससे अब आपको दिख रहा होगा साइड का जो लेयर है वो कितना बारीकी से दिख रहा होगा। तो मैं क्या की हूँ, ओपन जो रोज़ पेटल वाला नोज़ल होता है, सबसे पतला वाला जो होता है, वो नोज़ल का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, तो उससे मैं क्या करूँगी, वो ये बड़ा वाला नोज़ल उसे मैं थिन थिन लेयर करके जैसे कैसे लाइन करते हैं उस टाइप से कर ली हूँ, जिससे ये बहुत ही मिनिमम क्रीम। और सिर्फ फ्रंट में मैंने ये किया है, क्योंकि बैक में मैं इसी से जो स्क्रैप करके क्रीम बचेगा उसी से मैं बैक साइड को कवर करूँगी। तो फ्रंट में मैं बहुत ही पतली क्रीम के लेयर लगाऊंगी कि बस हमारा जो स्किन है केक का वो हाइड हो जाए, और मिनिमम क्रीम के साथ मैं इसको फिनिशिंग जितना पॉसिबल है, जितना मैं कर सकूँ उतना मैं देने का कोशिश करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग ठीक ठाक ही आ गई है इतने कम क्रीम के साथ, और ज़्यादा फिनिशिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। साइड में मैं आपको जो केक का ऑर्डर मुझे मिला था उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में आगे में दिखा दूँगी। और सेम टॉपर था ये, मैंने फर्स्ट केक में रेंट पे टॉपर दिया था, ये मैंने खुद से ही टॉपर बनाया है। ऐसे आप चाहें तो इस टॉपर के जगह पे क्राउन, जो बर्थडे में लड़कियां लगाती हैं उस टाइप का क्राउन यूज़ कर सकते हैं, या कुछ और अदर जो आपके पास ऑप्शन हो, कुछ आपके अंदर आइडियाज़ हो। इस टाइप का मैंने अभी तक कभी भी यूट्यूब पर देखा नहीं है, क्राउन वाला तो ठीक है, बट ये मैंने खुद से बनाया था। जो फोम वाला पेपर होता है उससे कट करके बनता है, ये स्टेंसिल होता है उसके कट करने का। फिर मैं रिबन ले लूँगी, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोला था, उसमें तो मैंने फॉन्डेंट यूज़ किया था बट इसमें मैं फॉन्डेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ़िक्स प्राइस था, जो फ़िक्स्ड प्राइस पे मुझे उसके अंडर में ही केक बनाना था। तो अपना बजट देखते हुए जिसमें हमारा प्रॉफिट भी हो जाए और केक भी सेम सिमिलर, बोला ये नहीं बोला गया था एग्जैक्टली वो बनाना है, बट हाँ सिमिलर बनाना है, क्योंकि वो टू टीयर केक था, क्वान्टिटी भी ज़्यादा थी और टू टीयर में डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट था, बट उसी को मुझे वन लेयर में बनाना था। तो मैंने इस तरीके से सोचा, और उनका प्राइस जो था वो फ़िक्स था कि मुझे इतने ही प्राइस तक का केक चाहिए। तो उसमें मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे फॉन्डेंट दूंगी तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रिबन लगा दिया जो नॉर्मल। और कस्टमर को देने के पहले आप उन्हें स्पेशली मेंशन कर दें कि ये रिबन, ऐसे तो रिबन
किसी को भी देख के पता चल जाता है ये नॉन एडिबल है, बट फिर भी ये कस्टमर को आपको बताना ज़रूरी है कि ये नॉन एडिबल है। जो आगे मैंने बो लगाया है वो भी मैंने पेपर से कट करके बनाया है सामने, लेकिन जो पर्ल है वो एडिबल है, इसलिए क्योंकि अगर पर्ल बाई चांस केक में गिर गया तो किसी के मुँह में जाएगा, तो वो एडिबल है और वो छोटा सा चीज़ है, तो वो सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ को एडिबल ही यूज़ करें। तो सामने में मैं बो लगा दी हूँ और उसके बाद फिर जो जिससे मैंने लाइनिंग दी थी ना स्मूथ करने के लिए केक को, ओपन रोज़ पेटल वाला नोज़ल, बस वो वाला नोज़ल ली और उससे मैं क्रीम, पिंक कलर की थोड़ी सी क्रीम बनाई, उससे मैं तीन फ्लावर को प्लेस कर दी हूँ, दो छोटे छोटे और एक बड़ा साइज़ का। थोड़ा डिस्टेंस पे मैंने पेटल्स बनाए हैं जिससे हमें कम क्रीम में फ्लावर थोड़ा शेप में बन जाए। और सेम नोज़ल से ये भी मैंने उसमें फॉन्डेंट का यूज़ किया था, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं, बस जहाँ पे बो देने का था तो वहाँ पे मैंने इस टाइप से यूज़ किया था। तो ये मैं क्रीम से कर दी हूँ और क्रीम भी काफ़ी कम बच रही थी अब मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगी, जो एडिबल लीफ होता है, अगर आप चाहें, क्योंकि क्रीम मैंने पूरे जितनी भी थोड़ी सी बची थी वो मैंने पिंक कलर से ही कर दी थी, पिंक हल्का बचा हुआ था उसी में वाइट कलर जो था वो मैं डाल दी थी, तो मेरे पास लीफ बनाने के लिए क्रीम बचा ही नहीं, और थोड़ा सा एक कटोरी व्हिप करने जाती उतना टाइम कौन लगाएगा। तो फिर मैं ये एडिबल वाला लीफ रखती हूँ, उसे मैं प्लेस कर दी, जो भी क्रीम मेरे पास बचा हुआ था उसे मैं ओपन स्टार नोज़ल डाल करके सेम पाइपिंग बैग में मैं फिल कर दी हूँ, और उससे मैं चारों तरफ ऊपर में और नीचे में बॉर्डर बना दूँगी। और देखिए बॉर्डर बनते के साथ हमारा केक कितना डिफाइंड लग रहा है, और हमारा देखते ही देखते केक भी रेडी हो गया। तो मैं वो पिक से आप कंपेयर कर लीजिए कि वो टू टीयर में था और ये सिंगल में, तो मैंने किस तरीके का केक बनाया, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूले, जिससे मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पाऊँ, आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं, मुझे ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग। तो फटाफट से आप भी इस केक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके कस्टमर को ये केक बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ा सा मैंने लास्ट में एडिबल पर्ल भी कहीं कहीं पे लगा दिया है, मुझे अच्छा लग रहा था जहाँ पे मुझे लगा स्किन दिख रही है वहाँ पे। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।